हेलो फ्रेंड्स, मेरा राइटर्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोटरसाइकिल के न्यूट्रल स्विच को किस तरह से समझ सकते हैं। मुझे एक कमेंट आया था जिसमें मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि उनके मोटरसाइकिल में एक प्रॉब्लम आ रही है कि जब वो इग्निशन से ऑन करते हैं मोटरसाइकिल को, उस टाइम पे न्यूट्रल लाइट नहीं दिखाती, चाहे वो न्यूट्रल में भी हो, एन की जो ग्रीन लाइट आती है वो नहीं दिखा रही है। तो उसमें उन्होंने ये बताया कि प्रॉपर जितनी भी वायरिंग है सब चेक कर ली है उन्होंने और गियर से भी निकाल दिया है, उसके बाद भी वो न्यूट्रल नहीं दिखा रही है। तो वो कहाँ पे प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो में वही होने वाला है। तो आइए फ्रेंड्स देखिए वीडियो। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे ही मैं इग्निशन ऑन करूंगा और इग्निशन ऑन करने के बाद न्यूट्रल लाइट नहीं जलेगी और न्यूट्रल लाइट नहीं जलेगी उसी वजह से ये स्टार्ट नहीं होगा। मेरा सेल्फ है, सेल्फ स्टार्ट है, क्लासिक है, तो उसकी प्रॉब्लम क्या है वो मैं बताऊंगा कि किस कारण से ऐसा हो जाता है। देखिए, अब मैंने ये ऑन किया है, न्यूट्रल लाइट नहीं जल रही है, बाकी सब ठीक है इसमें, और सिर्फ ये प्रॉब्लम ये नहीं है कि इसका फ्यूज खराब हो गया है या और कुछ है, तो ये न्यूट्रल स्विच की प्रॉब्लम है। तो देखिए, जैसे मैं सेल्फ से स्टार्ट करता हूं, ये यहां पे स्टार्ट नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैं क्लच दबा के स्टार्ट करता हूं, यहां से मैं इस क्लच को दबा देता हूं और क्लच दबाने के बाद अगर मैं इसको स्टार्ट करता हूं, ये देखिए ये यहां से स्टार्ट हो गया है और ये गियर में भी नहीं है। ये देखिए, ये गियर में भी नहीं है और न्यूट्रल लाइट भी नहीं जल रही है और ये स्टार्ट है, ये स्टार्ट है, तो ये किस कारण होता है तो वो देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बैटरी कवर खोलना पड़ेगा। हमारा जो न्यूट्रल स्विच होता है वो यहां पर होता है, उसके लिए हमें बैटरी का ये कवर खोलना पड़ेगा। और ये बैटरी का कवर खोलने के बाद फ्रेंड्स, बैटरी का कवर खोलने के बाद ये बेल्ट निकालनी है बैटरी की, जिसके लिए हमें बैटरी निकालनी है पूरी, और हमें ये वायर नहीं खोलनी है, सिर्फ यहां से बैटरी लूज करनी है। तो ये यहां से इस तरह से इसकी बेल्ट निकल जाएगी और बैटरी को हमने इस तरह से निकाल के यहां पे नीचे छोड़ देना है। और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि न्यूट्रल जो हमारी न्यूट्रल स्विच की जो वायर है वो कहां पर है। ये देखिए, यहां पर इसका ये स्विच होता है, मैं नजदीक से दिखाता हूं आपको। तो फ्रेंड्स ये देखिए, जो ये यहां पर है, ये हमारा न्यूट्रल स्विच उसकी वायर है और यहां पे ये सॉकेट होती है, इस सॉकेट से हमने इसको निकाल देना है। यहां से बहुत ही इजी तरीके से ये निकल जाएगी, इस तरीके से ये निकाल देना है और उसके बाद आपने इस वायर को यहां से निकालना है। ये इस तरह से निकल जाएगी। उसके बाद आपको 17 नंबर की चाबी की जरूरत पड़ेगी, 17 नंबर की, ये देखिए, और वहां से आपने इसको इस तरह से खोलना है। ये बहुत ही इजी खुल जाएगा, जो हमारा न्यूट्रल स्विच है, और यहां से खोलने के बाद इसको आपने इस तरह से घुमाना है और इसको खोल लेना है। तो ये देखिए, ये हमारा न्यूट्रल स्विच है, ये काम करता है कार के डोर की तरह, जैसे हमारा कार का डोर काम करता है उस तरह से ये काम करता है। जो यहां पे आप देख रहे हैं गेंद, ये हल्का सा ये एक बटन है जो ऐसे प्रेस होता है अंदर को, मैं आपको इसको प्रेस करके दिखाता हूं। ये देखिए, ये अंदर को प्रेस होता है, ये देखिए, ये देखिए, तो यहां से इसमें कार्बन वगैरह जम जाता है, कुछ
तो या फिर वायर जो है हमारी यहां से टूट जाती है, जिसकी वजह से ये काम नहीं करता है। अंदर जो हमारा न्यूट्रल की एक छोटा सा, जैसे हमारे कार में डोर होता है, डोर का जो लाइट के अंदर से स्विच ऑन ऑफ होता है बटन दब के, सेम वही काम होता है। अंदर एक पत्ती लगी होती है जो जिसमें एक छोटा सा लोहे का उभरा हुआ होती है जो इसको ऐसे प्रेस कर देती है, इस तरह से प्रेस करती है, तब ये लाइट जलने लग जाती है जो न्यूट्रल लाइट है हमारी। और ये हटते ही, जैसे गियर डालते हैं ये हट जाता है, और हटते ही हमारी लाइट ऑफ हो जाती है। तो ये खराब होने के बाद न्यूट्रल लाइट जो है वो दिखाती नहीं है और हमारा जो सेल्फ है वो भी काम नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो सेल्फ है वो ये सेंस नहीं कर पाता है कि इसमें गियर, जो हमारी गाड़ी है, हमारी मोटरसाइकिल है, जो वो गियर में है या न्यूट्रल है। तो इस वजह से उसको क्लच दबाने के बाद ही वो काम करता है, वो तभी वो स्टार्ट होता है, उस तरह से स्टार्ट नहीं होता है। तो ये आपने इस तरह से निकालना है, और ये आपको रॉयल एनफील्ड के जो जेन्युइन स्पेयर पार्ट है वहां पर मिल जाएगा, अगर ये वायर यहां से टूट गई है तो। और अगर आप इसको रिपेयर कर सकते हैं तो यहां से आयरन शोल्डर से टांके भी लगा सकते हैं तो वो ठीक हो जाएगा। अगर आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं, टूट गया है, तो रॉयल एनफील्ड के जेन्युइन स्पेयर पार्ट में ये मिल जाएगा, वहां से चेंज कर सकते हैं। और या आपका यहां से ये जाम हो गया है, इसको ठीक करना चाहते हैं, तो आपको जोरिक या फिर WD-40 की जरूरत पड़ेगी, जिससे आप इसको क्लीन कर सकते हैं। तो वो मैं आपको करके दिखाता हूं। तो फ्रेंड्स, मैं WD-40 यूज करूंगा जो हमारा न्यूट्रल स्विच है उसको क्लीन करने के लिए। तो आपने सिंपल इसको यहां पे स्प्रे करना है, और ये स्प्रे करने के बाद इसको चेक करना है कि क्या ये ठीक हो गया है, इस तरह से। और इसको कुछ देर तक ऐसे स्प्रे करने के बाद दबाना है ताकि ये ठीक हो जाए। तो इस तरह से हमने इसको क्लीन करना है और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और जैसे हमने इसको खोला था उसी तरह आपने इसको दोबारा लगा देना है, तो हमारे जो भी ये न्यूट्रल से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएगी। और फ्रेंड्स, हमें न्यूट्रल स्विच दोबारा लगाने से पहले यहां पे कपड़े से अच्छे से साफ करना है, और ये ध्यान रखना है कि अंदर इसमें कचरा वगैरह ना गिरे। और दोबारा न्यूट्रल स्विच है उसको जैसे हमने खोला था उसी तरह से दोबारा लगाना है। अगर हमने इसको रिप्लेस किया है तो तब भी ये उसी तरह लगेगा जैसे हमने इसको खोला था, और वैसे ही चाबी से इसको टाइट कर देना है। और इसको फ्रेंड्स, आपने हद से ज्यादा टाइट नहीं करना है, जितना ये नॉर्मल टाइट होगा उतना ही टाइट करना है, क्योंकि ये प्लास्टिक का होता है और टूटने का डर रहता है, इस तरह से। और जो ये हमारा स्विच है, ये सॉकेट का, इसको दोबारा हमने लगा देना है। इस तरह से। और जितने भी हमारी बैटरी वगैरह है, उसकी जो वायरिंग वगैरह, हमने कुछ नहीं छेड़नी है, उसको प्रॉपर बैटरी को दोबारा उसी तरह लगा देना है। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, छोटी सी प्रॉब्लम होती है लेकिन हमें ना पता होने की वजह से वो प्रॉब्लम कितनी बड़ी लगती है। तो ऐसी ही वीडियो मैं लेके आगे भी आपको मिलता रहूंगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।